नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। प्रशासन के नुमाइंदों के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। प्रदेश के अनेक जिलों में सोयाबीन की फसलें रोग के कारण बर्बाद हो गई हैं। इसी के चलते शमशाबाद भाजपा विधायक राष्ट्रीय रुद्र प्रताप सिंह आज तहसील प्रगणम में सांकेतिक धरने पर बैठ गई हैं। सैकड़ों किसानों को एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर प्रचार करने आने का आग्रह भी किया था। वहीं प्रशासन के नुमाइंदों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो शमशाबाद की आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर विधायक जी अपनी ही सरकार को क्यों घेर रही हैं। गौरतलब है कि विदिशा जिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला भी माना जाता है, जबकि राशि सिंह खुद विधायक हैं और सत्ता में हैं, तो सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही हैं। वहीं पूर्व विधायक ने मीडिया को देखकर धरने पर बैठे हुए कहा कि यह धरना नहीं है, हम किसानों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सैकड़ों किसान साथ में ही मौजूद हैं, तो इंतजार किसका कर रहे हैं। एक तरफ सरकार ने सभी धार्मिक आयोजनों पर 5 लोगों से ज्यादा लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा रखा है, वहीं शमशाबाद विधायक ने सरकार के सभी नियमों को ताक पर रख दिया है। यह सोचने वाली बात है कि क्या आम आदमी को ही सारे नियम का पालन करना है और राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई नियम नहीं है। विदिशा शमशाबाद से कैमरामैन विमल विश्वकर्मा के साथ आशीष सहले की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। लेकर आपने ज्ञापन दिया, सोयाबीन की फसल जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, मेरे किसान साथियों का जो दर्द है आज उसको यहाँ पर उजागर हो गया है वो, क्योंकि पूरी 100% फसल बर्बाद हो चुकी है, चाहे वो मूंग की हो, उड़दा की हो, सोयाबीन की हो, और अब तो धान भी पीली सी पड़ रही है। इस समस्या को लेके आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरे विधानसभा से हर गांव से 4-4, 5-5 लोगों को ही बोला था आने के लिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे, और आज हमने ये ज्ञापन दिया है। और आज शाम को 4 बजे हमारा सीएम से टाइम है, वो टाइम पहले से ही था, बट ये समस्या इतनी जटिल थी, इसको लेके आज हम शाम को मिलने वाले हैं सीएम साहब। मैं दे रहा हूँ।